हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेचर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने जा रहे हैं। इस बात से तो आप भली भांति ही परिचित होंगे, प्रकृति ही पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जंतु के जीवन का आधार है। प्रकृति में हर एक चीज, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति द्वारा बनाई कीर्ति हमारी पृथ्वी को खूबसूरत बनाए रखने और इंसानों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक उपहार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कमल का फूल सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। कमल का पौधा पानी में ही उत्पन्न होता है। ये संसार के सभी भागों में पाया जाता है। ऐसे प्राकृतिक दृश्य देखने में कितने आकर्षित लगते हैं। ऐसा नज़ारा आपने देखा है कभी? आपको शायद पता होगा, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसे जीवन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी गैसें शामिल हैं। ये गैसें सूर्य की ऊर्जा का शोषण करके पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं। आपने देखा होगा, मधुमक्खी, इसके पास दो पेट होते हैं। कुछ तो एनर्जी देने के लिए इसके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इसके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये उसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते बाहर निकाल देती है। ये शहद हमारे बहुत काम आता है। पैरट रंगीन पक्षी होता है जो दुनिया भर में पाया जाता है। ये वजन में 1 औंस से लेकर 9 पाउंड तक के होते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। उन्हें न्यू वर्ल्ड तोता कहा जाता है, जबकि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पुराने वर्ल्ड के तोते पाए जाते हैं। तोता अपने टैलेंट के लिए भी जाना जाता है। इसमें सीखने की बहुत ही तीव्र क्षमता होती है। साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ भी पैदा करता है। ईगल एक ऐसा पक्षी है जिसको ऊंचाई से प्रेम है, धरातल से नहीं। गौरैया एक छोटा पक्षी है जो पूरे भारत में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक होती है। यह पूरे एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। टूकान पक्षियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। इसके सदस्य पक्षियों की चोंच बड़ी और रंग बिरंगी होने के लिए फेमस हैं। ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी होते हैं। ये एक बार में 2 से 21 अंडे देते हैं।